एनर्जी के राइड जू में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसा क्या करें कि आपको यहाँ पे लॉसेस ना हो, ऐसी यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए इस राइड जू में कि यहाँ पे आपको लॉस ना हो। एंड साथ साथ यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें अप्लाई कैसे करें, इसकी बात हम करेंगे लास्ट में। एंड यहाँ पे देखेंगे कि आज यहाँ पे ट्रेडिंग का जो थर्ड डे तो है ही है, उसके साथ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सामने आने को दिख सकती हैं। फर्स्ट यदि हम बात करें कल के प्राइस की, तो जो यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग हुई थी वो 6.95 रुपये पे सुजलॉन एनर्जी का जो पर्टिकुलर शेयर है वो यहाँ पे बंद होने को दिखा था। जबकि यदि राइट इशू की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 1.15 रुपये तक जा पहुँचाता था। देन यदि आप यहाँ पे एक बार प्राइस चेक कर लें, 1.15 रुपये तक गया था। एंड देन यदि इसकी गिरावट आप देखें तो 36% से ऊपर की गिरावट इसने कल के दिन हुई थी। डेली ऐसे ही गिरावट यहाँ पर होती रहनी है। आज यहाँ पर थर्ड डे ट्रेडिंग का जरूर है, लेकिन कल यहाँ पे लास्ट डे भी, आप ये भी मान के चलिए कल लास्ट डे, कल के बाद फिर यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी। देन फिर आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है राइट इशू में कि आप उसको सेल तो फिर कर नहीं सकते, फिर आपको उसमें अप्लाई ही करना होगा। तो अप्लाई के लिए मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। फर्स्ट अभी हम चलते हैं कि आज इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि आज का इसका जो प्राइस है वो 6.95 रुपये। इसका प्राइस लगातार गिर क्यों रहा है, क्योंकि राइट इशू का यदि प्राइस देखें तो वो भी जबरदस्त गिरावट उसमें भी हो रही है, 1.15 रुपये तक जा पहुँचा है, जबकि उसका जो प्राइस रहना चाहिए 2.65 रुपये रहना चाहिए। लगातार गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि मार्केट में शेयर भी ज्यादा आ चुके हैं। एंड यदि आप बात करें, जबकि राइट इशू 1.15 रुपये पे खूब मिल रहा है, आप कितने भी ले लें आपको यहां पे मिल रहा है, जितने आप लेना चाहें उतने आपको 1.15 रुपये पे मिल रहे हैं। एंड देन आप बात करें यहां पे तो 5 रुपये आपको पे करने होंगे। देन यदि आप टोटल वैल्यू देखें तो 6.15 रुपये आपको पे करनी होगी एंड आपको ये वाला सुजलॉन एनर्जी का शेयर बन जाएगा। तो जब आपको 6.15 रुपये पे सुजलॉन एनर्जी का शेयर मिल रहा है, हाँ भले ही आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी होगी, राइट इशू को फिल करना होगा, लेकिन आपको सुजलॉन एनर्जी का शेयर अभी 6.15 रुपये पे मिल रहा है, क्योंकि राइट इशू आप मार्केट से कितने भी खरीदें, यहाँ पे ट्रेडिंग में ढेरों शेयर राइट इशू के हैं। 240 करोड़ का राइट इशू का ऑफर आया है, 240 करोड़ के शेयर, 240 करोड़ शेयर है, तो आप समझ पा रहे हैं राइट इशू के जो शेयर है वो मार्केट में इतनी ज्यादा मात्रा में फ्लोट हो चुके हैं, जिस कारण से सुजलॉन एनर्जी का जो पुराना प्राइस है वो भी यहाँ पे गिरते गिरते, क्योंकि 7.65 रुपये के दिन जब ये राइट इशू ओपन हुआ था, ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, तब 7.65 रुपये था। देन यदि आप वहां से देखें तो 80-90 रुपये गिर चुका है, अच्छा खासा इसमें गिरावट हुई है। एंड देन आज भी इसमें गिरावट होने को देखने को मिलेगी, क्योंकि राइट इशू का कल है लास्ट दिन, ट्रेडिंग का कल लास्ट दिन है, तो यहाँ पे गिरावट आज होगी। एंड गिरावट ऐसी हो सकती है कि ये जो पर्टिकुलर शेयर है 1 रुपये तक आज गिर के आ सकता है, एंड हो भी सकता है कि 1 रुपये से नीचे भी जाते हुए देखने को मिले, तो इस तरह से आपको यहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि यदि राइट इशू आप देखें, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, जबकि आपको शेयर 6.15 रुपये पे मिल जाएगा, क्योंकि 1.15 रुपये का राइट इशू है, फिर आप इसमें अप्लाई करेंगे, 5 रुपये पे अप करेंगे, तो 6.15 रुपये का आपको सुजलॉन एनर्जी का पर्टिकुलर शेयर मिल जाएगा, जो यहाँ पे राइट इशू से काफ़ी ज़्यादा इस समय ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी आज के दिन गिरावट होने को देखने को मिल सकती है। उसके साथ और भी जो बातें हैं जो आपको लॉस से बचा जाए, उसके लिए यही है कि यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि 14 तारीख इसकी रिनोंसिएशन डेट है, इसके बाद तो फिर इसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, मतलब आप यहाँ पे राइट इशू को सेल नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपके पास एक ही डेट बचती है, वो है 20 अक्टूबर, मतलब इस डेट तक आपको इसमें किसी भी हालत में अप्लाई करना होगा यदि आपके पास राइट इशू का शेयर है। जो लोग यदि इसमें नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी शेयर को ले रहे हैं, तो उन्हें T+2 डेज का वेट करना होगा, मतलब उन्हें आज के दिन यदि जो खरीदते हैं तो उन्हें आज के दिन तो वेट करना ही होगा, साथ में 2 दिन और वेट करना होगा, देन फिर वो 16 तारीख को जाके वहां पे राइट इशू को फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे T+2 डेज सेटलमेंट है, वो बेच तो बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। अब जो लोग यहां पे सुजलॉन एनर्जी आरी को खरीदते हैं वो यहां पे सेल नहीं कर पाएंगे, उनके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है एप्लीकेशन सबमिट करने का, यहां पे एप्लीकेशन भरने का, अप्लाई करने का ऑप्शन ही बचता है। एंड जो और जो डेटेस हैं जो आपको यहां पे लॉस से बचा जाए, कुछ डेटें आपको यहां पे याद रखनी चाहिए, वो यहां पे यही है 20 तारीख की डेट। एंड जो क्रेडिट की डेट है वो तो 1 नवंबर है ही है, साथ में इसकी लिस्टिंग हो जाएगी 3 नवंबर को, मतलब जो आपका पहले वाला शेयर है उसी में ये मिक्सअप हो जाएंगे एंड आपकी एवरेजिंग यहां पे हो जाएगी। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे पेमेंट मोड क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करते हैं आपको 2.5 रुपये अभी देने होंगे, क्योंकि पार्सली पेड अप शेयर है, मतलब आधे पैसे आपको अभी देने होंगे 2.5 रुपये एंड आधे पैसे आपको जब देने होंगे जब आपके पास शेयर आ जाएंगे, एंड जिसमें यहाँ पे केवल एक ही पेमेंट मोड अवेलेबल है एंड जो है यहाँ पे ASBA ओनली, यदि आप देखें ओनली थ्रू द ASBA एसवा के थ्रू यहाँ पे होना है पेमेंट, एसवा यहाँ पे
एस बाय यहाँ पे मांगता है कि आपके पास होना चाहिए नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग आपके पास किसी भी बैंक का हो, SDFC का हो, ICICI का हो या और भी कोई बैंक का हो, तो नेट बैंकिंग आपके पास होनी चाहिए जिसके थ्रू आप यहाँ पे एसवा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं राइट इशू में। तो एक ही पेमेंट मोड है एसवा। उसके साथ यदि और भी जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिए गए हैं कि आप अपने डीमैट अकाउंट से एक बार ही एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप आज भी यहाँ पे राइट इशू खरीद के एक बार आप आज लगा दें एक बार बाद में, एक ही बार में लगाएं, जितने आपको राइट इशू में एप्लीकेशन देने हैं एक ही बार में एप्लीकेशन दें, एंड जो आपकी अमाउंट है वो बैंक के द्वारा होल्ड कर ली जाएगी, मतलब पर इक्विटी शेयर के लिए 2.50 रुपये होल्ड कर लिए जाएंगे। यदि आप 1000 शेयर के लिए अप्लाई करते हैं तो जरूर आपके 2500 रुपये 2500 रुपये आपके बैंक के द्वारा होल्ड कर लिए जाएंगे। वहाँ पे जो जो चीज़ें मांगते हैं वो मैं आपको वीडियो में लास्ट में जरूर बताऊंगा, और भी जो यहाँ पे लेटेस्ट जैसे भी कोई भी यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ आती है आपको इस चैनल पे सबसे पहले डिस्क्राइब हो जाएगी। उसके लिए आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दें। हाँ, एक और चीज़, जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना नहीं चाहते, अप्लाई के झंझट में पड़ना नहीं चाहते, तो भूल के भी यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी आदि राइट इशू का शेयर बिल्कुल मत खरीदें मार्केट से। प्राइस कम है, प्राइस को कम देखते हुए यहाँ पे बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर हैं जिन्हें पता नहीं है वो यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो उनसे यहाँ पे साफ साफ रिक्वेस्ट है कि आप इन शेयरों को ऐसे मत खरीदें जिनके पीछे RE लगा हो, REBE लगा हो, क्योंकि ये राइट इशू होते हैं, इनके प्राइस कम जरूर होते हैं लेकिन इनमें फंसने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। यहाँ पे वो लोग ही ट्रेडिंग करें, वो लोग ही खरीदें जिनको सभी चीज़ें पता हो। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट पेमेंट मोड के ऊपर, जहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे राइट इशू को अप्लाई करना होता है। फ्रेंड, सभी का सुजलॉन एनर्जी में पेमेंट से रिलेटेड इशू आ रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने केफिनटेक साइट पे अपना राइट इशू अप्लाई करने की कोशिश की है वहाँ पे कोई पेमेंट का ऑप्शन नहीं था, तो मैं आज आपके लिए यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस की पूरी एक वीडियो यहाँ पे लाया हूँ, एंड आपको बताऊँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे लगने वाले जिससे आप अपना पूरा फुली पेमेंट कर पाएंगे इस राइट इशू में, जब आप यहाँ पे कन्फर्म होंगे कि आपको राइट इशू में एप्लीकेशन पूरी तरह से फिल हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे नेट बैंकिंग के ऊपर HDFC नेट बैंकिंग, क्योंकि मेरा यहाँ पे अकाउंट पर्सनली HDFC में, तो मैं यहाँ पे HDFC यूज कर रहा हूँ, एंड आपका जिस बैंक में हो आप वहाँ पे देख लेना है ASBA की फैकल्टी मौजूद हो, ASBA के थ्रू यहाँ पे पेमेंट होना है, तो ASBA जो अलाउ करता है वो नेट बैंकिंग को अलाउ करता है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम नेट बैंकिंग पे आ चुके हैं, एंड यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी यूजर ID को फिलअप करते हैं, तो यूजर ID को मैंने यहाँ पे सिंपली फिलअप कर दिया है, एंड इसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। कंटिन्यू का यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ ये कस्टमर ID के बाद अब हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा। जैसे ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं वैसे ही आपको एक पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, पिन, जिसे हम पासवर्ड या पिन बोलते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप डालेंगे कस्टमर ID, उसके जस्ट नीचे आपको पासवर्ड या पिन डालना होगा जब आप यहाँ पे नेट बैंकिंग में अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड फिलअप कर देता हूँ, सिंपली यहाँ पे पासवर्ड या पिन डल चुका है। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे करता हूँ लॉगिन, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसके नीचे लॉगिन। सिक्योरिटी के रीजन से मैंने थोड़ी वीडियो पॉज कर दी थी पासवर्ड डालते समय, एंड ये यहाँ पे ओपन हो चुका है नेट बैंकिंग का अकाउंट। इसके बाद फिर यहाँ पे आप देखें यहाँ पे जस्ट नाम दिखाई दे रहा है, मेरा यहाँ पे नाम है, एंड इसके बाद जो आपको यहाँ पे डेट दिखाई दे रही है आज की डेट है 12 अक्टूबर, एंड 3:14 का यहाँ पे टाइम हो रहा है दोपहर का, एंड सबसे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है रिक्वेस्ट का, जिन लोगों का HDFC में इस तरह से उनको प्रोसीजर है, एंड मैं आपको यहाँ पे सिंपली ये दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है। रिक्वेस्ट में जैसे ही आप यहाँ पे करते हैं तो सबसे नीचे आपको रिक्वेस्ट में जाना होगा, एक यहाँ पे ऑप्शन होगा IPO एंड राइट इशू करके, मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाना जरूर चाहूँगा IPO एंड राइट इशू, आपको सिंपली इसी ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा यदि आप अपनी पेमेंट सुजलॉन एनर्जी में पे अप करना चाहते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, एक और आपके सामने नया ऑप्शन राइट इशू एंड IPO का होगा, एंड यहाँ पे आपको अब अपना बैंक अकाउंट का नेम फिलअप करना होगा। जैसे मेरा अकाउंट यहाँ पे ये यहाँ पे शो हो रहा है, ये यहाँ पे अकाउंट नंबर है, एंड उज्जैन का हूं, तो यहां पे उज्जैन जैसे ही मैं फिलअप करता हूं कंटिन्यू के ऊपर, अब आपको यहां पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं वैसे ही आपका अकाउंट नंबर, नेम, पैन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब सबसे पहले अब आपको यहाँ पे करना होगा कंफर्मेशन देनी होगी कि आपका ही अकाउंट है, देन यहाँ पे मैं कंफर्मेशन दे देता हूँ। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा, जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं वैसे ये कंफर्मेशन मांगा जाएगा, ओके के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करना है, एंड अब आपके सामने एक और नया ऑप्शन आएगा जो आपको ये बोल रहा होगा कि आपको IPO में अप्लाई करना है या फिर राइट इशू में, तो यहाँ पे आप राइट इशू के ऊपर क्लिक कर दिए, कहीं कि पहले से यहाँ पे
है आईपीओ के ऊपर क्लिक है। जैसे ही यहाँ पे आप राइट इशू के ऊपर क्लिक करते हैं सबमिट, आपको यहाँ पे आगे प्रोसीड करना होगा। वैसे यहाँ पे जैसे आप आगे यहाँ पे जाते हैं तो आपके सामने ये चारों राइट इशू आ जाते हैं। फर्स्ट में आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ गौतम जेम्स का आईपीओ, सेकंड यहाँ पे एक और आईपीओ, थर्ड एक और, एंड फोर्थ पे अपना यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी का आईपीओ है। एंड सुजलॉन एनर्जी के यदि आप आईपीओ की डिटेल्स यहाँ पे चेक करें तो इशू प्राइस, प्राइस जो बैंड है वो 2.5 रुपए अभी आपको पे करने होंगे। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है जो वहाँ पे मिसिंग था, केफिन टेक की साइट पे मिसिंग है। एंड यदि लिंक इन टाइम की वेबसाइट पे देखें तो वहाँ तो सुजलॉन का नाम ही नहीं है। तो ऐसे आपको यहाँ पे पेमेंट प्रोसीजर नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, जिसे हम ABSA फैकल्टी बोलते हैं। साथ साथ यदि यहाँ पे डेटस देखें तो यहाँ पे डेटस भी साफ साफ दे रखी है। मैं आपको यहाँ पे डेटस और दिखा देता हूँ, ये 11th October से 20th October की यहाँ पे डेट है। एक है यहाँ पे डाउनलोड, जो आपने वहाँ पे डाउनलोड किया था कि फिनटेक में, वैसे ये यहाँ पे ऑप्शन है। अब देन आपको यहाँ पे करना है अप्लाई, सिंपली अभी हम ऐप पे अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होते हुए आएगा, जहाँ पे आपको बोलेगा कौन कौन से आपको यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम आएगा, नाम के नीचे आपको यहाँ पे पैन नंबर पहले से यहाँ पे लिखा होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिलअप करने होगी, जैसे मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, कुछ भी एक मैं ऐसे ही कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे डाल देना। शेयर्स फॉर राइट इशू, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी शेयर्स का अमाउंट है यहाँ पे डाल देता हूँ, ये मैंने 500 यहाँ पे फिलअप कर दी। ओके, देन इसके बाद फिर आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, अमाउंट मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद पर शेयर की जो आपको प्राइस देनी होगी वो यहाँ पे 2.5 रुपीज देनी होगी, जो यहाँ पे कट ऑफ प्राइस यही है, तो आपको 2.5 रुपए देना होगा। टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे आ गया होगा 1250 रुपए आपको यहाँ पे पे अप करने हैं। ओके, ये ऑप्शन आपके लिए कंपलसरी नहीं है, ये आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे एग्री करना होगा, बट उसके पहले एग्री यहाँ पे करने के पहले आप यहाँ पे एक और चीज फिलअप कर लेना, दो तीन यहाँ पे ये चीजें दी हैं। फर्स्ट यहाँ पे डिपोजिटरी अकाउंट आपका किसमें, जैसे मैं आपको लगातार बताता रहा हूँ, जिन लोगों का जीरो धाम है वो यहाँ पे CDSL फिलअप करेंगे। डीपी नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है, DPID यहाँ पे फिलअप करनी है, एंड यहाँ पे बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप करना आपको होगा। उसके साथ यहाँ पे एक आपको यहाँ पे ये नोट दिया गया है, जिसमें यहाँ पे डायरेक्टली बताया गया है कि इसमें कोई भी आपका अल्फाबेट यूज नहीं होगा। इन सभी आईडियों में सभी जगह यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू डल लिए, न्यूमेरिक वैल्यू आप यहाँ पे समझ रहे होंगे जो आपके 1, 2, 3, 4 होते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सभी जगह यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू डल लिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पे कंफर्मेशन देंगे एंड आई एग्री कर देंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे, प्रोसीड जैसे ही आप करेंगे आपके बैंक अकाउंट से वो अमाउंट होल्ड कर ली जाएगी, जैसे यहाँ पे 1250 रुपए वो होल्ड कर ली जाएगी, एंड आपको यहाँ पे राइट इशू पूरी तरह से फिल हो जाएगा। एंड बैंक की तरफ से एक आपको कंफर्मेशन मेल आएगा, बस यही पूरा प्रोसीजर है यहाँ पे करने का, पेमेंट करने का, जो लोगों के द्वारा काफी टाइम से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। इसके लिए आप यहाँ वीडियो को प्लीज यहाँ पे लाइक जरूर कर दें, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में एक बार पेमेंट प्रोसीजर को लेते हुए यहाँ पे कंफर्मेशन दे दें, शेयर कर दें वीडियो को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।